अस्सलाम वालेकुम मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स आईसीसी सी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 में दिफाही चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को एक बड़ा धचका लगा है जिनके अहम तरीन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह अब मुतबाद प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करने का फ़ैसला किया गया है आई ने परमिशन दे दी है और वेस्ट इंडीज़ के एक सबक कप्तान अब टी वर्ल्ड कप दो में वेस्ट इंडीज़ के अगले मैच में वेस्ट इंडीज़ को दस्तियाब होंगे जो कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच खेला जाएगा उसमें वेस्ट इंडियन टीम एक बड़ी तब्दीली के साथ मैदान में उतरेगी इसके अलावा बात करेंगे अम्माद वसीम और आसिफ अली की इंजरी की जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलते हुए गुजशत मैच में इंजरी का शिकार हुए थे इमाद वसीम को गेंद लगी थी बैटिंग करते हुए जबकि गेंद हेलमेट में लगी थी आसिफ अली को लेकिन उसके बावजूद बदस्तूर उन्होंने उन्होंने बैटिंग जारी रखी थी लेकिन उनकी जो पोजीशन थी वो ज़्यादा बेहतर नहीं थी अब इसके हवाले से क्या अपडेट हैं क्या वो अफगानिस्तान के खिलाफ कल का मैच खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे इसके बारे में क्या अपडेट हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इस रिपोर्ट में और आज टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2021 में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा और वो मैच किन किन टीमों के दरमियान खेला जाएगा एक मुख्तर सा जायदा पेश करेंगे उन टीमों का उन टीमों का बाहमी रिकॉर्ड उसका टेबल पर आज क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में और इसके अलावा पाकिस्तान के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने टी वर्ल्ड कप दो में दुनिया के सभी बैट्समैनों को पीछे छोड़ दिया है वो सबसे आगे निकल गए हैं इसके अलावा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में अब तक तेज़ तरीन फिफ्टी के नाम है ज़्यादा छक्के किसने लगाए हैं और ज़्यादा रनज एवरेज किसकी है इन सब मौजूद पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की जिसका अगला मैच बांग्लादेश के साथ शेड्यूल है और वेस्ट इंडीज़ जो कि दिफ़ाई चैम्पियन है जिसने 2016 के फाइनल मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर टी वर्ल्ड कप 2016 अपने नाम किया था और वो दो के टी वर्ल्ड कप की दिफ़ाई चैंपियन भी है वो टूर्नामेंट के पहले दोनों मैचेस हार चुकी है और अब वो टूर्नामेंट में अपनी बका की जंग लड़ रही है और इस मौका पर उनका एक खिलाड़ी ओबिट मेकुवे अनफिट हो गए हैं जिसकी वजह से वो टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं और अब वेस्ट इंडीज़ को आईसीसी ने परमिशन दे दी है कि उनके मुतबाद प्लेयर जो कि ऑलरेडी ट्रैवलिंग प्लेयर्स में शामिल थे वो सबक कप्तान रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के जैसन होल्डर और हालिया आई पी में वो यू की कंडीशन में भी एक्शन में दिखाई दिए वो अवेलेबल होंगे वेस्ट इंडीज़ को अगले मैच के लिए जब वेस्ट इंडीज़ टीम बांग्लादेश का मुकाबला करेगी वेस्ट इंडीज़ टीम पहले दो मैच हारने के बाद अब टी वर्ल्ड कप दो से बाहर निकलती दिखाई दे रही है इसके अलावा बात करेंगे इमाद वसीम और आसिफ अली की इंजरी की जो कि गुजशत मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग करते हुए दोनों ही खिलाड़ी फ़िटनेस मसाइल से दो चार हुए थे जिस गेंद पर एल बी करार दिया गया था इमाद वसीम को वो गेंद उनके घुटने के ज़रा ऊपर लगी थी इंतहाई ज़्यादा चोट लगी थी उनको जिसकी वजह से वो आउट होने के बावजूद दर्द से करहा रहे थे और उनको चलने में मुश्किल पेश आ रही थी लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि उनके हवाले से ये अपडेट आई है कि इमाद वसीम सौ फिट हैं और वह अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम को दस्तियाब होंगे और यही सूरत हाल आसिफ अली की है जिसने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मुश्किल कंडीशन में तीन छक्के लगाए थे और पाकिस्तान को कामयाबी से हम किनार कराया था उन्हें भी गेंद लगी थी सर पर जिसकी वजह से कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा था उसके बाद बैटिंग तो कर रहे थे लेकिन उनकी जो जहनी कैफियत थी वो ज़्यादा यानी सौ फ़ीसद परफेक्ट नहीं थी वो पूरी तरह फिट नहीं थे लेकिन इसके बावजूद जो कि पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे उस टाइम और पाकिस्तान टीम को आसिफ अली की ज़रूरत थी इसलिए आसिफ अली ने बैटिंग जारी रखना चाहिए वरना आम हालात में शायद उनके लिए बैटिंग करना मुश्किल होता बहरहाल उनके हवाले से भी अच्छी खबर सामने आई है कि वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टी मैच में पाकिस्तान को दस्तियाब होंगे और अब बात करते हैं आज के मैच के हवाले से आज आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार इक्कीस में सिर्फ एक मैच खेला जा रहा है जो कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा यह मैच पाकिस्तान के ग्रुप का हिस्सा नहीं है दूसरे ग्रुप में शामिल है यानी ग्रुप वन में शामिल है श्रीलंकन टीम पहले ही ग्रुप वन में दूसरी पोजीशन पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर अगर आज का मैच वो जीतने में कामयाब हो जाए तब भी वो दूसरे नंबर पर रहेगी क्योंकि उसके पॉइंट इंग्लैंड के बराबर हो जाएंगे लेकिन नेट रन रेट श्रीलंका का चूँकि ज़्यादा कम है इसलिए वो दूसरे नंबर पर रहेगी अलबत्त अस्टलवी टीम जो कि पॉइंट्स से पर तीसरे नंबर पर मौजूद है अगर वो आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो वो श्रीलंका से दूसरी पोजिशन बसानी छीन लेगी इसके अलावा अगर अब तक खेला गया ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीमों का ज़्यादा पलड़ा किसी को बरतरी हासिल नहीं है दोनों टीमों का पलड़ा वाजह तौर पर बराबर है अगर दोनों टीमों का मजमूरी रिकॉर्ड देखा जाए टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैचे में तो सोलह मैचेस खेले गए हैं दो टीमों के दरमियान यानी आस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान एंड सोलह में से आठ मैचज़ जीते हैं श्रीलंका ने और आठ ही मैचेज जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने और इसके अलावा अगर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मुकाबलों में रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को कदर बरतरी हासिल है तीन मैच खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया कामयाब रहा और एक मैच में श्रीलंका को फतेह मिली इसके अलावा अगर एशिया में रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ भी दोनों टीमों का रिकॉर्ड आइन बराबर है चार मैचेस खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान एशियन कंडीशन में जन्में से दोनों टीमों ने दो दो मुकाबले अपने नाम किए हैं और अगर आखिरी पाँच पाँच मैचेस जो कि हालिया अरसे में खेले गए हैं किसी भी टीम के खिलाफ देखा जाए तो श्रीलंका को वाजे तौर पर बरतरी हासिल है जो कि अपने आखिरी चारों टी ट्वेंटी मैच जीत चुकी है जबकि दूसरी जानब स्ट्रेलवी टीम अपने आखिरी पाँच में से तीन मैचों में शिकस्त से दो चार हुई है अलबतः उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आखिरी तीन में से दो मैचेस जीतने में वो कामयाब रही जिनमें आखिरी मैच वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप 2021 में सबको पीछे छोड़ दिया है जब से सुपर 12 यानी मेन राउंड का आगाज़ हुआ है अगर तब से देखा जाए क्योंकि पहले राउंड में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिला ऐसे अतबार से देखा जाए तो बंग्लादेश के मुशफ़ी और रहीमन सबसे आगे हैं लेकिन जब से टी वर्ल्ड कप के मेन राउंड यानी कि तेईस अक्टूबर से जो जिन मैचेस का आगाज़ हुआ है अगर तब से देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान वाज तौर पर दुनिया के सभी बैट्समैनों से आगे हैं जो कि इस अरसे में सौ रन की हद पार करने वाले टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में वाद बैट्समैन भी हैं जो कि अब तक दो इनिंग में एक सौ बारह रन बना चुके हैं जिनमें एक फिफ्टी भी शामिल है ग्यारह चौके लगाए तीन छक्के लगाए उनके बाद साउथ अफ्रीका के एडन मरकरम इक्यानवे रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं यानी मोहम्मद रिजवान के अलावा ता हाल टर्नामेंट में कोई भी दूसरा बैट्समैन सौ रन की हद पार नहीं कर सका मेन राउंड में उनके अलावा बांग्लादेश के और रहीम छियासी रन के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं श्रीलंका के असालंका अस्सी रन के साथ चौथे जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम सेवेंटी सेवन रन सेवन्ट के साथ पाँचवें नंबर पर मौजूद हैं यानी पाकिस्तान वह टीम है जिनके टॉप फाइव में दो बैट्समैन शामिल हैं इसके अलावा अगर अगर एवरेज के अतबार से देखा जाए तो यहाँ भी मोहम्मद रिजवान वाज तौर पर दुनिया के सभी बैट्समैनों से आगे हैं जिनकी एवरेज एक सौ बारह रन फी इनिंग्स बनती है यानी अब तक वो दो इनिंग्स में सिर्फ एक ही बार आउट हुए हैं मोहम्मद रिजवान के बाद एवरेज के अतबार से जिन बैट्समैनों ने कम अज़ कम चालीस रन्स बनाए हैं उनमें एवरेज के अतबार से श्रीलंका के चारथ असालंका दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जिनकी एवरेज छियासी रन फी इनिंग्स बनती है और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम सेवनटी सेवन रन के ने एवरेज के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जो कि अब तक दो इनिंग्स में सिर्फ एक बार आउट हुए हैं इस तरह का टूर्नामेंट में देखा जाए तो स्पीड के अतबार से यानी तेज़ रफ्तारी से रन बनाने के अतबार से बनुका राजा पक्सा जो कि श्रीलंका बैट्समैन हैं एक सौ सत्तावन तीन सात के स्ट्राइक रेट के साथ दुनिया के सभी बैट्समैनों से आगे हैं इस फहरिस्त में उन्हीं बैट्समैनों को शामिल किया गया है जिन्होंने अब तक टूर्नामेंट में कम अज़ कम चालीस रन बनाए हैं और डेविड वैसे जो कि नामीबिया की जानब से खेल रहे हैं वो इस फेरस में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं जिनका स्ट्राइक रेट एक सौ चौवन इशारिया छः छः है यूं ये सिर्फ दो ही ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट अब तक डेढ़ सौ रन फीस बाल बॉल की हद पार कर सका है और इसके अलावा जो दीर बैट्समैन है तौर पर अगर पाकिस्तानी बैट्समैन ऊपर निकाल डालें तो मोहम्मद जवान एक सौ पच्चीस एशारा आठ चार के स्ट्राइक रेट के साथ इस फहरस्त में नवें नंबर पर खड़े हैं जबकि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम एक सौ बाईस एशारिया दो, दो के स्ट्राइक रेट के साथ ग्यारहवें नंबर पर खड़े हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में ज़्यादा रफ्तार से रन बनाने वाले बैट्समैनों की फहरिस्त में और अगर, अगर अब तक टी वर्ल्ड कप दो में सिर्फ एक इनिंग्स जो कि तेज़ रफ्तारी से खेली गई उसका एजाज़ जो है पाकिस्तान के आसिफ अली के पास है जिन्होंने 225 के स्ट्राइक रेट से न्यूजीलैंड के खिलाफ बारह गेंदों पर नाकाबली शिकस्त साइस रन बनाए थे और इस फेरस्त में सिर्फ उन बैट्समैनों को शामिल किया गया है जिन्होंने कम अज़ कम बीस रन बनाए हों इस फेहरिस्त में सिर्फ दूसरे एक ही ऐसे बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट दो सौ रन की हद पार कर सका और वो हैं नमीबिया के डेविड वैसे जिनका स्ट्राइक रेट दो सौ रन फीसौ बाल रहा है आई सी सी वर्ल्ड कप 2021 में अब तक तेज तीन जो 50 है वो बनाने का एजाज़ साउथ अफ्रीका के एडन मरक्रम के पास है जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 25 गेंदों पर 50 मुकम्मल की थी ये तेज़ तरीन 50 है अब तक टी वर्ल्ड कप 2021 की और बांग्लादेश के महमूदुल्ला सताईस गेंदों पर यह कारनामा सर अंजाम देकर टी वर्ल्ड कप दो में तेज तरीन फिफ्टी बनाने वाले दूसरे बैट्समैन हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार इक्कीस में अब तक पाकिस्तान की जानब से दो फिफ्टियाँ बनी हैं जिनमें बाबर आजम ने चालीस गेंदों पर यह कारनामा सर अंजाम दिया जबकि मोहम्मद रवान ने एक जैद गेंद खेलकर फिफ्टी मुकम्मल की थी और इसके साथ ही अदावशुमार पर मुश्तम ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तब तक के लिए अल्लाह ने